सोना ने अंश का गुस्सा देखकर घबराते हुए अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। अंश ने कहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है बीवी, जब मैं बात करता हूँ तो अपनी आंखें खुली रखो। सोना ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपनी नम आंखों से उसे देखने लगी। अंश ने उसकी आंखों में देखा तो कहा, ओ कम ऑन बीवी, बंद करो ये रोना धोना, मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा ये सब। सोना ने डरते हुए कहा, मिस्टर रायजादा, हमने क्या किया है, आप हम पर इतना गुस्सा क्यों? अंश उसकी बात को काटते हुए चिल्लाकर बोला, बिकॉज आई नो एवरीथिंग डैम इट। ये कहते हुए उसने सोना की कलाई को अपनी पूरी ताकत के साथ मरोड़ा, जिससे उसकी चूड़ियां टूटकर उसकी कलाई में चोट करने लगी। दर्द की वजह से सोना के मुंह से जोर से चीख निकल पड़ी, आह! और उस शांत जगह पर वो आवाज गूंजने लगी। अंश जोर से चिल्लाया, जस्ट शट अप। सोना जोर जोर से सुबकते हुए उसे देखने लगी। अंश सब जानता है, इसी बात को सुनकर वो शॉक थी। वो सवालिया नजरों से अंश को देखने लगी। उसकी आंखों में सवाल के साथ एक तरह का डर साफ दिखाई दे रहा था। उसे पूरा यकीन था, जिस दिन अंश को सच्चाई पता चलेगी उस दिन वो इसी तरह रिएक्ट करेगा जैसा इस वक्त कर रहा था। अंश ने उसकी आंखों में मिक्स्ड इमोशंस देखे तो उसे खुद से दूर झटक दिया। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर रेलिंग को कस के पकड़ लिया। उसने अपनी आंखें बंद की और तेज तेज सांसें लेते हुए बोला, मैं सब कुछ जानता हूँ, तुमने मुझे सम्राट के साथ मिलकर धोखा दिया। सोना ने ये सुना और उसका दिल धक सा हो गया। शिवी की सगाई के बाद अंश जब देहरादून में था, उस वक्त उसे पता चला कि सोना सम्राट के साथ मिलकर उसे धोखा दे रही थी, या फिर यूं कहे कि सम्राट ने ही अंश के लिए सोना के खिलाफ सबूत छोड़े थे। पहली बार जब प्रोजेक्ट के डिटेल्स लीक हुए थे, उसी वक्त एक पल के लिए अंश के दिमाग में सोना का ख्याल आया था, क्योंकि उसे अच्छे से याद था, उसने उन डॉक्यूमेंट्स को अपने स्टडी रूम में रखा था। लेकिन उसने जल्दी ही इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दिया, क्योंकि वो उस पर यकीन करना चाहता था। पर ये जानकर कि सोना ही वो सब कर रही थी, उसका दिल कई टुकड़ों में टूट गया। वो सोना से उसी दिन जवाब चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। वो सोना के साथ अच्छे से बिहेव करता था, क्योंकि उसे यकीन था सोना वो सब अपने मुंह से बताएगी। लेकिन जब अंश से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो आज रात उसने उसे एक्सपोज करने का प्लान बनाया था। सोना अंश की हर एक बात सुनकर अपनी जगह पर कांपने लगी थी। कुछ देर सोना अंश की पीठ को इसी तरह देखती रही। उसने रोते हुए अपना कांपता हाथ अंश की तरफ बढ़ाया और उसके कंधे को छूते हुए बोली, मिस्टर रायजादा। अंश उसकी बात पूरी होने से पहले जोर से बोला, कुछ भी कहने की हिम्मत मत करना, चली जाओ यहाँ से, इससे पहले मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दूं। उसके चिल्लाने के बाद भी सोना वैसे ही खड़ी रही। उसने खुद को अंश का गुस्सा झेलने के लिए तैयार कर लिया था। अंश ने उसे वहीं पर देखा तो चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरे हाथों कुछ गलत हो जाए, जाओ यहाँ से। सोना ने अपनी लार निगल ली और अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर एक बार फिर से अंश को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसने कहा, अंश, हमारी बात सुनिए, हम आपको सब कुछ बताना चाहते थे, हमारा यकीन कीजिए, हम। उसकी बात सुनकर अंश, जो इतनी देर से खुद को कंट्रोल कर रहा था, उसका गुस्सा फूट पड़ा। वो पलटकर सोना के दोनों कंधों को पकड़कर उसे हिलाते हुए बोला, कब बताने वाली थी तुम मुझे, हाँ? जब वो तुम्हें मरने के लिए मजबूर कर देता, या फिर मुझे जान से मारने के लिए कहता, कब बताती तुम, हाँ? कब? सोना उसकी लाल और खतरनाक आंखें देखकर घबरा गई और आगे कुछ नहीं बोल पाई। इस सम्राट और करण ने उसे बहुत बुरी तरह से फंसा दिया था। अंश ने गुस्से से कहा, जस्ट स्पीक अप डैम इट, क्यों तुमने मुझे धोखा दिया उस सम्राट के साथ मिलकर? और रही बात यकीन की, तो ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों यकीन करूं मैं तुम्हारा? एक वजह दो मुझे तुम पर यकीन करने की। मैंने तुम्हें कितने ही मौके दिए सच बोलने के, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं कहा। अब चाहती हो मैं तुम्हारा यकीन करूं? मैं तुम्हारा यकीन क्यों करूं? सोना उसके सवाल पर खामोश रही। सोना की खूबसूरत आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थी।
उसे अपने चेहरे पर अंश की गुस्से से भरी गर्म सांसें महसूस हो रही थी, जिससे उसके शरीर में गूज़बम्स आ रहे थे। उसे ऐसे देखकर अंश के दिल में दर्द होने लगा, लेकिन उसने जल्द ही इस फीलिंग को अपने दिल और दिमाग से निकाल दिया, क्योंकि इस वक्त सोना उसके लिए सिर्फ एक गुनहगार थी जिसे वो कभी भी सजा देने वाला था। अंश की आंखें सॉफ्ट हो गईं, वो उसके गाल को छूते हुए बोला, क्यों किया तुमने ऐसा? मैं तुमसे प्यार करता था, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, रिमेम्बर? या फिर तुम प्यार का नाटक कर रही थी इतने दिनों से ताकि तुम मुझे बर्बाद कर दो? अरे शक तो मुझे पहले ही दिन हो गया था, लेकिन मेरा दिल ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि तुम ऐसा कुछ कर सकती हो मेरे साथ। सच सच बताना, तुम ही होना उन सबके पीछे की मास्टरमाइंड, तुम ही होना? ये सुनकर सोना की आंखें बड़ी हो गई, वो हैरानी से अंश को देखने लगी। अंश ये क्या बोल रहा था? अंश का दिमाग जो कई सारे दुश्मनों और धोखेबाजों के ख्यालों से भरा हुआ था, वो उसे सोना के ऊपर विश्वास करने से मना कर रहा था। अंश उसकी आंखों में देखते हुए उसके कंधे पर लगभग चोट पहुंचा रहा था। सोना ने दर्द भरी आवाज में कहा, अंश प्लीज, हमें दर्द हो रहा है। अंश ने ये सुना और उसे अपनी तरफ खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, दर्द दर्द तो ये मुझे हो रहा है। अंश रायजादा को कमजोर देखना हर किसी का सपना है, पर वो कभी किसी के लिए भी कमजोर नहीं हुआ, लेकिन वो तुम्हारे लिए कमजोर पड़ गया। तुम्हें पता है मुझे उस रात लगा था मैं तुम्हें खो दूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था मैंने तुम्हें पहले ही खो दिया है। ये कहते हुए उसने अपना माथा उसके माथे से जोड़ लिया। सोना ने अपने कांपते हाथ उसके गाल पर रखे और अपनी नम आंखों से उसकी आंखों में देखने लगी। अंश की आंखें भी नम होने की वजह से चमक रही थी। वे दोनों काफी देर तक उसी तरह बिना कुछ कहे एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। ये सच था कि सोना सम्राट के साथ मिली हुई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसे अंश को परेशान देखकर खुशी होती थी। वो भी उतनी ही अंश के लिए परेशान होती थी जितना अंश उसके लिए। अचानक से अंश ने उसे खुद से दूर किया और उसका गला पकड़ लिया। सोना कुछ समझ पाती उससे पहले अंश ने उसे कार से टिका दिया था। उसने गुस्से से कहा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। तुम पर यकीन करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। तुम सिर्फ मेरी नफरत के लायक हो सोना, सिर्फ नफरत के लायक। ये कहते हुए वो सोना के चेहरे को देख रहा था जो सांस ना आने की वजह से लाल हो गया था। कुछ पल पहले जो अंश सोना से सॉफ्टली बात कर रहा था, अब उसके चेहरे पर कोई इमोशन दिखाई नहीं दे रहे थे। कुछ देर बाद उसने सोना का गला छोड़ दिया। सोना खांसते हुए जमीन पर बैठ गई, उसकी आंखें लगभग बंद होने को थी। उसने अपना गला पकड़ लिया जिसमें अंश के दबाने की वजह से काफी दर्द हो रहा था। वो नम आंखों से अंश को देखने लगी। अंश ने उसे ऐसे देखा तो उसके दिल में दर्द उठा। वो उसकी तरफ पीट करके खड़ा हो गया। उसने कस के अपनी मुट्ठी को बंद कर लिया और अपनी आंखों को भी कस कर बंद कर लिया। उसकी आंख से एक बूंद आंसू टपक कर उसके गाल पर लुढ़क गया। अंश चाहे कितना भी क्रूअल हो, लेकिन वो सोना से प्यार करता था। सोना ने चाहे जितनी बड़ी गलती की हो, वो उसकी जान अपने हाथों से कैसे ले सकता था? अपनी आवाज में आ रहे भारीपन को छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए अंश ने कहा, चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत। अंश ये सब कह ही रहा था कि उसने देखा एक लाल रंग की पतली सी लाइट उसकी आंखों के सामने चमक रही थी। उसे अचानक से लगा कुछ तो गलत है। वो जल्दी से पीछे मुड़ गया। उसने देखा सोना के कान के ऊपर लाल रंग की लाइट चमक रही थी। उसका दिल एक पल के लिए धक्सा हो गया। उसने जल्दी से रिएक्ट किया और सोना को उसकी बांह से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और इसी के साथ एक तेज आवाज के साथ सोना के पीछे खड़ी कार के टायर की हवा निकल गई। उस आवाज से सोना ने डर की वजह से कस के अपनी आंखें बंद कर ली और अंश के सीने से लग गई। अंश ने उसे कस के पकड़ा और इधर उधर देखने लगा। वो चौकन्ना हो गया था। उसी समय उन दोनों से कुछ ही दूर पर एक शख्स अपने हाथ में राइफल लेकर एक पत्थर के पीछे बैठा था। उसकी काली गहरी आंखें चांद की रोशनी में चमक रही थी। अपने निशाने को चूकता देख उसने कस कर अपना हाथ उस पत्थर पर मारा और गुस्से से कहा, डैमिट। उसकी पतली आवाज उस जगह पर सुनाई दी।
उस शख्स ने काले कपड़े और काले रंग का मास्क पहना था। उसकी आंखें खतरनाक थी, जिन पर नजर का चश्मा लगा था। अंश चारों तरफ देख रहा था। उसे एहसास हुआ आज वो अपने गुस्से की वजह से गार्ड्स को अपने साथ लेकर ही नहीं आया था। उसने अपने मन में खुद को डांटा, शिट अंश, तुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। सोना का तो पता नहीं, लेकिन अंश को अंदाजा हो गया उस जगह पर अब एक पल भी रुकना खतरे से खाली नहीं है। इतनी रात में ये भी पता करना बहुत मुश्किल था कि गोली कहां से चली है। वो सिचुएशन को समझने की कोशिश ही कर रहा था कि उसे कई लोगों के चलने की आवाज आने लगी, लेकिन वो लोग अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहे थे। अंश ने कार को देखा जिसकी व्हील फट चुकी थी। वो ये सोच ही रहा था कि उसे फिर से कुछ आवाज आई। अंश ने सोना का हाथ कस कर पकड़ लिया। सोना को भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये क्या हो रहा था। उसने भी घबराहट की वजह से अंश का हाथ पकड़ लिया। अंश ने कहा, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। ये कहने के बाद उसने अपनी कमर से गन निकाल कर 3 बार हवा में फायर किया। वो जगह जल्द ही अंधेरे से भर गई। अंश ने सारी स्ट्रीट लाइट पर जो शूट किया था, जिसकी वजह से अब वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और कुछ ही पल बाद वो सुनसान जगह गोलियों के शोर से गूंज गई। कैसे बचेंगे अंश और सोना इस नई मुसीबत से? क्या दोनों की जान बच पाएगी? जिस जगह पर सोना और अंश खड़े थे वो जगह धुएं से भर गई और सभी तरफ गोलियां चलने की आवाज आई। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। कुछ लोग वहाँ चेक करने आए कि उनका काम हुआ या नहीं, पर उन्हें ये देखकर हैरानी हुई कि अंश और सोना उस जगह पर नहीं है। अब तक वे सब अंश की कार पर फायरिंग कर रहे थे, क्योंकि अंश की कार इस वक्त पूरी तरह से गोलियों से छलनी हो गई थी। अगर इस वक्त सोना और अंश वहां से भागने में कामयाब नहीं हुए होते तो उस कार की जगह वे दोनों इस हालत में होते। सब इधर उधर देखने लगे। वो दोनों पलक झपकते ही कहां गायब हो गए। इधर अंश सोना का हाथ पकड़कर जंगल के अंदर की तरफ भाग रहा था। सोना ने साड़ी पहन रखी थी, इसलिए उसे भागने में प्रॉब्लम हो रही थी। ऊपर से चांद की रोशनी भी उनके लिए इस वक्त कोई काम की नहीं थी। जंगल के अंदर अंधेरा होने की वजह से कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वे दोनों भाग ही रहे थे कि कुछ दूर जाकर सोना का पैर उसके कपड़े में फंस गया और वो जोर से चीख कर जमीन पर गिर पड़ी। सोना की कोहनी पर एक जंगली झाड़ी से कट लग गया, जिससे उसे काफी दर्द होने लगा। उसके मुंह से चीख बाहर निकल जाती अगर सही वक्त पर अंश ने उसके मुंह पर हाथ न रखा होता। अंश ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे एक पेड़ से लगा दिया। सोना ने दर्द की वजह से कस के अपनी आंखों को बंद कर लिया। अंश धीमी आवाज में बोला, कोई आवाज मत निकालना, पहले ही तुम्हारी वजह से इस प्रॉब्लम में पड़ गए हैं। अब अगर तुम्हारे मुंह से आवाज भी बाहर आई तो मैं तुम्हें यहीं छोड़ दूंगा, फिर पड़ी रहना इस खतरनाक जंगल में। अंश की बात सुनकर सोना रोने लगी। अंश ने उसके मुंह से अपना हाथ हटा लिया और उसे देखने लगा। सोना अपने दोनों हाथों को अंदर की तरफ मोड़कर बिना कोई आवाज किए रोने लगी। इस बार अंश ने धीरे से कहा, हमें यहाँ से जाना होगा, यहाँ रुकना ठीक नहीं है, क्या तुम चल पाओगी? सोना ने हाँ में सर हिलाया। तभी उनकी तरफ फिर से लोगों के चलने की आवाज आने लगी। अंश ने सोना का हाथ पकड़ा और उसे एक पेड़ के पीछे छुपाते हुए बोला, तुम यही रहना, मैं आता हूँ। ये बोलकर वो जाने लगा तो सोना ने उसका हाथ पकड़ लिया। अंश ने सोना को देखा जो अपना सर हिला के उसे जाने से मना कर रही थी। उसे अंश की फिक्र हो रही थी। अंश ने कहा, वादा करता हूँ मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये सुनकर सोना अपनी आंखों में आंसू के साथ उसे देखने लगी। अंश ने उसे देखा और अपनी नजर फेरते हुए बोला, ऐसे मत देखो मुझे, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ ताकि तुम्हारी जान मैं अपने हाथों से ले सकूं। मुझे तुमसे अपने सारे हिसाब जो चुकता करने हैं। तुम्हारी जान इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा, क्योंकि उसे लेने का हक सिर्फ मेरा है। ये कहने के बाद उसने अपना हाथ सोना के हाथ से छुड़ा लिया। सोना चुपचाप उसे जाते हुए देखने लगी। कुछ ही पल में अंश उस अंधेरी जगह पर गायब हो गया। इधर अंश कुछ लोगों के सामने आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर वे सब अलर्ट हो गए। अंश ने अपनी भारी लेकिन ठंडी आवाज में कहा, किसके कहने पर आए हो यहाँ? किसने भेजा है तुम लोगों को? उसे ये पूछना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि उसे पहले से ही इसका जवाब पता था। उसके सामने 6 से 7 लोग खड़े थे। किसी ने भी कुछ नहीं कहा और अंश पर हमला करने लगे। सोना अंश को झाड़ियों के पीछे खड़ी होकर देख रही थी। अंश उन लोगों को बुरी तरह से मार रहा था।
लेकिन अंश जैसे जैसे उन्हें मार रहा था वैसे ही उनकी ताकत बढ़ती जा रही थी। इसी बीच अंश के बाजू पर गोली आकर लगी, लेकिन अंश नहीं रुका। जब उनमें से एक ने देखा कि अब अंश को कंट्रोल करना आसान नहीं है, तो उसने अपने एक आदमी को अंश के ऊपर पीछे से वार करने का इशारा किया। सोना ने देखा एक परछाई अंश के पीछे से उसकी तरफ बढ़ रही है, वो घबरा गई। तभी उसके हाथ में एक डंडा आया, उसने अपनी पल्लू को कमर पर लपेटा और डंडे को उस आदमी के सर पर दे मारा। वो आदमी पलट गया और सोना को अपने सामने हाथ में डंडा लेकर खड़ा देख उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। सोना एक चीख के साथ जमीन पर जा गिरी। वो आदमी अपने हाथ में खंजर लिए गुस्से में सोना की तरफ बढ़ने लगा। अंश ने ये देखा और उस आदमी की पीठ पर लात मार दी। वो आदमी सोना के बगल में जा गिरा। अंश उसके ऊपर चढ़ गया और उसे मारते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की। और कुछ ही देर में अंश ने लगभग सभी लोगों को मार गिराया था, और जिसे वो नहीं मार पाया वो लोग अपनी जान बचाकर भाग चुके थे। अंश को भी इस बीच कई चोटें आईं। पहले से ही उसे गोली लगने की वजह से उसकी हालत खराब होने लगी, और सबसे लड़ने के बाद उसकी एनर्जी ने जवाब दे दिया। सोना ने उसे ऐसे देखा तो वो भाग कर उसके पास आ गई। वो बोली, अंश। सोना ने अंश को छूने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, अंश ने उसे दूर झटक दिया। अंश ने कहा, दूर रहो मुझसे, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। अंश को अभी भी जिद करते देख सोना हैरान हो गई। उसने अपने मन में कहा, ये इंसान कितना जिद्दी है। अंश धीरे धीरे आगे जाने लगा और सोना उसे जाते हुए देखने लगी। वो कुछ ही कदम चला था कि वो लड़खड़ा गया। वो गिरता उससे पहले सोना ने उसे पकड़ लिया। अंश ने उसे घूर के देखा। सोना ने कहा, आप हम पर बाद में गुस्सा कर लेना, फिलहाल आपको हमारी जरूरत है। ये कहने के बाद उसने उसे पास में ही एक सूखी लकड़ी पर बिठा दिया। अंश अपने आसपास देखने लगा। उसने कहा, हमें जाना होगा, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। सोना ने देखा अंश की हालत अब खराब हो रही थी। वो उसकी चोट को देखने लगी जहाँ पर गोली लगी थी। उसके जख्म से काफी खून आ रहा था। उसने जल्दी से अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़ा और उसे अंश के जख्म पर बांध दिया। अंश ने उसे ऐसे परेशान होते देखा तो कहा, मैं ठीक हूँ, अब चलो यहाँ से। ये कहने के बाद वो उठने लगा, लेकिन वो फिर से वहीं पर बैठ गया। सोना ने ये देखा और कहा, मिस्टर रायजादा आप ठीक नहीं हैं, आप यहीं रुकिए, हम आगे देखकर आते हैं। ये कहने के बाद वो अंश की बात सुने बिना वहां से दूसरी तरफ चली गई। अंश ने उसे जाते देखा और अपना सर हिला दिया। वो बोला, पागल लड़की। वो जैसे तैसे खड़ा हुआ और धीरे धीरे चलते हुए सोना के पीछे चला गया। सोना कुछ दूर जाकर इधर उधर देख रही थी, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी उसे अपने पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वो झट से पलट गई और अपनी पूरी ताकत के साथ अपने पीछे खड़े इंसान के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। सोना को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे अंश खड़ा है। उसे लगा इन आदमियों में से कोई उसके पीछे खड़ा है। सोना के थप्पड़ से अंश लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गया, जिससे उसके मुंह से चीख निकल पड़ी, आह। सोना अंश की आवाज को पहचानते हुए अपने मुंह पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। उसने अभी अभी अंश को थप्पड़ मारा था। वो जल्दी से उसके पास आई और उसे उठाते हुए बोली, आई एम सॉरी मिस्टर रायजादा, हमें लगा वो लोग। वो कह ही रही थी कि अंश ने दांत पीसते हुए कहा, शट अप। सोना चुप होकर उसे उठाने लगी, पर अंश इतना भारी था कि सोना उसे हिला भी नहीं पा रही थी। उसने जैसे तैसे अंश को खड़ा किया और उसका एक हाथ अपने कंधे पर रखकर उसे सहारा देते हुए उसके साथ आगे बढ़ने लगी। कुछ देर चलने के बाद सोना अंश को जंगल से बाहर ले आई। तभी उनसे कुछ ही दूरी पर सोना को रोशनी दिखाई दी। उसे देखकर उसके चेहरे पर चमक आ गई। उसने अंश को बैठाते हुए कहा, अंश आप यहीं रुकिए, हम देखकर आते हैं। ये कहने के बाद वो फिर से अंश की बात बिना सुने उस रोशनी की तरफ भाग गई। अंश की हालत अब ऐसी नहीं थी कि वो खुद को हिला पाए। वो अपनी बंद होती आंखों से सोना को देखने लगा। इधर सोना उस रोशनी के पास आ गई। ठंड की वजह से वहां पर कुछ बूढ़े और कुछ लड़के अपने घर के बाहर पेड़ के नीचे आग जलाकर बैठे बातें कर रहे थे। सोना उनके पास आ गई और हांफते हुए बोली, सुनिए हमें आपकी मदद चाहिए। वो हमारे पति को गोली लगी है और वो बहुत जख्मी है, प्लीज आप हमारी मदद कीजिए। ये कहते हुए सोना ने उनके सामने अपने दोनों हाथों को जोड़ा। आधी रात हो गई थी और एक लड़की को अपने सामने इस हालत में मदद मांगते देख वो लोग हैरान हो गए।
उन लोगों ने सोना को बहुत ध्यान से देखा। सोना के कपड़े खून से लाल हो गए थे और वो बहुत कमजोर लग रही थी। उनमें से एक आदमी ने कहा, कहाँ है तुम्हारा पति? उनके पूछने की बस देरी थी, सोना ने अंश की तरफ इशारा किया और उस तरफ भागी। वे लोग भी अपने हाथ में टॉर्च लेकर सोना के पीछे अंश तक आ गए। सोना ने देखा अंश बेहोश हो गया था, वो डर गई। वो घुटने के बल बैठकर अंश के गाल को थपथपाते हुए बोली, मिस्टर रायजादा, आंखें खोलिए। तभी एक आदमी जो दिखने में पहलवान लग रहा था, वो आगे आया और अंश की नब्ज चेक करते हुए बोला, अरे ये बेहोश है, इसे जल्दी से अंदर ले जाओ, इसे अभी इलाज की जरूरत है। उसके कहने से उसके साथ आए लड़कों ने अंश को उठाया और घर की तरफ बढ़ गए। सोना भी उनके साथ पीछे पीछे चली गई। इस बीच अंश का फोन बंद हो गया। सुबह 11 बजे सोना अंश के पास बैठी थी। अंश के शरीर से गोली निकाल दी गई थी, लेकिन वो अभी भी होश में नहीं आया था। सोना की जिसने मदद की थी वो इस गांव का सरपंच था। वो सोना और अंश को अपने साथ अपने घर लेकर आया था। सोना ने कल से कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए वो बहुत कमजोर दिखाई दे रही थी। वो अंश के चेहरे को बस एकटक देख रही थी। तभी दरवाजा खटखटाते हुए दो लोग कमरे के अंदर आए। सोना उन्हें देखकर अपनी जगह पर खड़ी हो गई। वो दोनों लोग सरपंच और उनकी पत्नी थी, जो हाथ में खाने की प्लेट और साथ में सोना के लिए पहनने के लिए कपड़े लेकर आए थे। सरपंच की पत्नी स्वभाव से बहुत सीधी थी, उसने अपने सर पर पल्लू डाल रखा था। वो सोना के पास आते हुए बोली, बिटिया ये तुम्हारे लिए खाना और कुछ कपड़े। सोना ने खाने को देखा और कहा, जी आपका शुक्रिया, लेकिन हमें भूख नहीं है। इस बार सरपंच जी ने कहा, तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हारा पति अब एकदम ठीक है, तुम खाना खा लो और आराम करो। तुम रात से इसी तरह बैठी हो, ऐसे ही रहोगी तो तुम भी अपने पति के जैसे बीमार पड़ जाओगी। कुछ खा लोगी तो अच्छा लगेगा। सोना ने हाँ में सर हिलाया और उनके हाथ से खाने की प्लेट ले ली। सोना ने उन्हें हल्की मुस्कान के साथ धन्यवाद कहा और वो दोनों वहां से चली गई। सोना ने खाने की प्लेट को एक लकड़ी के बने टेबल पर रखा और अंश के पास आ गई। उसने अंश के हाथ को अपने हाथ में लिया और उसके शांत चेहरे को देखते हुए कहा, आप जल्दी ठीक हो जाइए, फिर हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे और हर गलतफहमी मिटा देंगे। हमसे आपको इस तरह देखा नहीं जा रहा। ये कहने के बाद उसने अंश के हाथ को अपने होठों से लगा लिया। किसने करवाया सोना और अंश पर जानलेवा हमला? कैसे खुद को बेकसूर साबित करेगी सोना? जानने के लिए सुनते रहिए फोर्स्ड वाइफ सिर्फ पॉकेट। शाम 6 बजे अंश ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने देखा वो एक अनजान जगह पर है। अंश उठकर बैठ गया। झटके से उठने की वजह से उसे अपने शरीर में तेज दर्द का एहसास हुआ। उसने अपनी हालत देखी, खुद को पत्तियों और जड़ी बूटियों के लेप में लिपटा देखकर वो हैरान हो गया। तभी उसकी नजर सोना पर पड़ी, जो बेड के नीचे बैठी अपना सर अंश के हाथ पर रखकर सो रही थी। अंश ने उसके चेहरे को देखा, उसे वो बहुत थकी हुई सी लग रही थी। उसने अपना हाथ सोना की पकड़ से छुड़ाया तो सोना की नींद खुल गई। उसने अंश को होश में देखा तो उसकी आंखें चमक गईं। वो जल्दी से बेड पर अंश के पास बैठ गई और उसके माथे को छूते हुए बोली, शुक्र है महादेव का, आप ठीक है, हम तो डर गए थे। उसने ये कहा ही था कि अंश ने उसका हाथ झटक दिया। सोना उसके इस एक्शन से हैरान हो गई। अंश उसे घूरते हुए अपनी भारी आवाज में बोला, ये तुम क्या कर रही हो? दूर रहो मुझसे। ये कहते हुए वो बेड से खड़ा हुआ और इधर उधर देखने लगा। सोना इस बार रुआंसा होकर उसे देखने लगी। वो कितना रूड था उसके साथ। सोना को लगा था अंश के होश में आ जाने के बाद वो उसे सब कुछ बता देगी, लेकिन अंश को देखकर लग रहा था कि वो सोना की बातें बिल्कुल भी सुनने के मूड में नहीं था। कमरा थोड़ा छोटा लेकिन बहुत सुंदर और सिंपल था। अंश जिस बेड पर लेटा था वो थोड़ा छोटा लेकिन आरामदायक था। वो अभी कमरे को देख ही रहा था कि दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। अंश और सोना दरवाजे की ओर देखने लगे। सोना ने एक नजर अंश को देखा और दरवाजे की तरफ उसे खोलने के लिए गई। अंश ने नोटिस किया सोना इस वक्त कुछ अलग लग रही थी। उसने सफेद रंग की सूती साड़ी पहनी थी, उसकी दोनों कलाइयों में पट्टी बंधी हुई थी और उसके सर पर भी बैंडेज लगा हुआ था। उसके गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर लगा हुआ था। इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था। उसे याद आया उसने कल सोना के हाथों को कितना कस के पकड़ा था, जिससे उसकी चूड़ियां टूटकर उसके हाथों में चुभ गई थी।
ये याद आते ही उसने जल्दी से सोना के ऊपर से अपनी नजरें फेर ली और आकर बेड पर बैठ गया। तब तक सरपंच की पत्नी, जिनका नाम सुधा ठाकुर था, वो अंदर आ गई। उसके हाथ में ट्रे थी जिस पर चाय की एक कप थी। उसने जब अंश को होश में देखा तो ट्रे सोना के हाथ में रख दी और अंश के सामने आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, अब तुम ठीक हो? अंश उनके सवाल पर उन्हें कंफ्यूज होकर देखने लगा। उसके कंफ्यूज चेहरे को देखकर सुधा जी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा तुम इतना ज्यादा अपने दिमाग पर जोर मत दो। तुम दोनों अभी हमारे गांव में हो। तुम्हारी पत्नी ने मेरे पति से मदद मांगी थी और तुम्हारी हालत भी उस वक्त बहुत खराब थी, इसलिए मेरे पति तुम्हें हमारे घर लेकर आए और तुम्हारा इलाज भी करवाया। मुझे लगता है अब तुम ठीक हो। मैंने सही कहा ना? उसके सवाल पर अंश ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। ये कहते हुए अंश बेड से खड़ा होने लगा, लेकिन कमजोरी की वजह से वो वापस से बेड पर बैठ गया। सुधा जी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा ऐसी हालत में कहाँ जाओगे? अभी रात भी हो गई है, अंधेरा बहुत बढ़ गया है। तुम अपना नहीं तो अपनी पत्नी का तो ख्याल करो। ये बेचारी रात भर तुम्हारे लिए ऐसे ही परेशान थी और मुझे तो लगता है ये रात में एक पल के लिए भी नहीं सोई है। देखो तो आंखें कैसी लाल हैं बिटिया की। ये कहते हुए उसने सोना की तरफ इशारा किया। अंश ने सोना को देखा जो अपना सर झुकाए खड़ी थी। उसे देखकर अंश की आंखें सॉफ्ट हो गईं। सुधा जी ने आगे कहा, तुम दोनों को देखकर लग रहा है बहुत प्रेम है तुम दोनों में। तभी तो इसकी खुद की हालत इतनी खराब है, फिर भी कैसे तुम्हारा ख्याल रख रही है। बहुत किस्मत वाले हो बेटा, तुम्हें इतना ख्याल रखने वाली पत्नी मिली है। तुम्हारी फिक्र में इसने तो रात से कुछ खाया भी नहीं था। वो तो मैंने जोर दिया तब जाकर इसने एक गिलास दूध पिया है, नहीं तो ये उसे भी मना कर रही थी। बस बोल रही थी तुम्हारे ठीक होने के बाद ही कुछ खाएगी। उसकी बात सुनकर अंश की मुट्ठी कसती जा रही थी। सुधा जी ने अपने सर पर मारा और कहा, अरे मैं भी ना, मैं तो तुम्हारे लिए चाय लेकर आई थी और वही भूल गई। चाय ठंडी हो जाएगी, मैं इनसे कह दूंगी कि शहर से डॉक्टर साहब को सुबह बुला ले। तब तक तुम किसी बात की फिक्र मत करो, बस आराम करो। हाँ, ये कहने के बाद उसने अंश को देखा। अंश ये सुनकर अपने असली स्वभाव में आते हुए रो टोन में बोला, नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब आप जा सकती हैं, मुझे आराम करना है। ये सुनकर सुधा जी सोना को देखने लगी। सोना तो पहले ही अंश के ऐसे बिहेवियर से परेशान रहती थी, अब सुधा भी उसे अजीब नजरों से देख रही थी। सोना जल्दी से सुधा के पास आई और बात संभालते हुए बोली, काकी इनके कहने का मतलब है अभी ये अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, इसलिए आराम करना चाहते हैं। आप इनकी बातों का प्लीज बुरा ना माने, इनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। सुधा जी ने कहा, कोई बात नहीं बिटिया, मैं समझ सकती हूँ। सोना उन्हें देखने लगी। उन्हें समझ आ गया था दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। सोना ने उन्हें एक बार फिर से शुक्रिया कहा तो वो अंश का ख्याल रखने के लिए कहकर चली गई। उसके जाने के बाद अंश बेड से खड़ा हुआ और सोना को घूरते हुए गुस्से से कहा, बंद करो अपना ये नाटक, बंद करो ये जताना कि तुम्हें मेरी फिक्र है। तुम थक नहीं जाती अच्छी बनने का नाटक करते हुए? हाँ, अंश की बात सुनकर सोना ने अपने होठों को दांतों से दबा लिया और उसे देखने लगी। अंश उसे घूरते हुए दांत पीसकर आगे बोला, जिस तरह से तुमने मेरे घर वालों को अपनी तरफ कर लिया है, उसी तरह इन्हें भी तुमने अपनी बातों में फंसा लिया। ये लोग कितनी फिक्र करते हैं तुम्हारी, बेचारे ये नहीं जानते कि तुम अंदर से कितनी शातिर हो। अंश की कही हर एक बात सोना के दिल में चुभ रही थी। उसने अपने रुंधे गले से कहा, आप हमें गलत समझ रहे हैं मिस्टर रायजादा, हमने किसी से कुछ भी नहीं कहा, ये लोग तो बस हमारी मदद कर रहे हैं। अंश ने अपनी आंखों को गोल घुमाया और कहा, मैं बहुत सही समझ रहा हूँ तुम्हें। तुम अपनी ये भोली शक्ल दिखाकर दूसरों को बेवकूफ बना सकती हो, पर मुझे नहीं। अंश की बात सुनकर सोना हैरानी से उसे देखने लगी। उसे देखकर लग रहा था अंश की कड़वी बातें सुनकर वो अभी रो देगी। उसने खुद को संभाला और गुस्से से कहा, क्या मतलब है आपका कि हम आपको बेवकूफ बना रहे हैं? हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर आप यही मानते हैं तो ये आपकी गलती है कि आपको जान नहीं पाए, वरना तो हम हमेशा से आपके सामने ही थे। आप इतने बेवकूफ हैं तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। पहले तो वो अंश को इस हाल में कुछ भी नहीं कहना चाहती थी, लेकिन अब अंश ही बहस करने के मूड में आ रहा था तो वो भी क्या कर सकती थी।
अंश जो शर्ट पहनने वाला था वो सोना की बात सुनकर शर्ट पहनना छोड़कर उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। उसने गुस्से से शर्ट को जमीन पर फेंका और सोना की तरफ बढ़ने लगा। सोना उसे अपने पास आते देखकर पीछे हटने लगी। वो हकलाते हुए बोली, अंश हमारे कहने का ये मतलब? उसने इतना कहा ही था कि अंश ने उसके गाल को पकड़ा और उसे दीवार से लगा दिया। वो दांत पीसते हुए अपनी ठंडी आवाज में बोला, How dare you? तुम खुद को समझती क्या हो हाँ? तुमने पहले मुझे उस सम्राट के साथ मिलकर धोखा दिया और अब अपने आप को जस्टिफाई कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी उन झूठी बातों पर भरोसा कर लूंगा? मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम क्या हो, इसलिए मेरे सामने ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। आई स्वेयर बेबी, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं कब का उसके टुकड़े करके कुत्तों को खिला देता। ये कहने के बाद उसने सोना को छोड़ दिया और बेड पर आ गया। सोना सुबकते हुए उसे देखने लगी। उसके गाल पर अंश की उंगलियों के निशान पड़ गए थे जिस पर उसे काफी दर्द महसूस हो रहा था। वो रोते हुए बोली, तो फिर किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आप? कर दे हमारे टुकड़े और खिला दे कुत्तों को। ये सुनकर अंश पलट गया और उसे घूरते हुए बोला, हाँ मैं यही करने वाला हूँ। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं ये तुम्हें डराने के लिए बोल रहा हूँ? ये सुनकर सोना उसे घूरते हुए बोली, नहीं हमें पूरा यकीन है आप ऐसा कर सकते हैं, बल्कि हम तो कहेंगे आप ऐसा अभी ही कर दे। कब से कह रहे हैं हमारी बात सुनिए, लेकिन आप है कि कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। कभी ये कभी वो, अरे हम कितनी बार कहें, हमने जो भी किया हमारे भाई के लिए किया। अंश उसे अपनी एक भौं उठाकर देखने लगा। सोना अब तक अंश के इस बिहेवियर से परेशान हो गई थी। उसने अपने माथे पर हाथ रखा और कहा, अरे हम मानते हैं हमने सम्राट के साथ मिलकर आपके पीठ पीछे आपकी स्टडी रूम से डॉक्यूमेंट्स चुराए, लेकिन क्या आप हमारे वो सब करने के पीछे की वजह नहीं जानना चाहते? ये कहते हुए वो अंश को देखने लगी। उसने अंश को चुप देखा तो अपनी कांपती आवाज में कहा, अरे हम नफरत करते थे आपसे, हम हर वक्त आपसे दूर जाने के बारे में सोचते थे। आपने हमारे भाई को हमसे दूर कर दिया था और हमें समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें। उसने जब कहा कि वो हमें हमारे भाई तक पहुंचा देंगे तो हमने उनकी बात मान ली, लेकिन हमें नहीं पता था इतना सब हो जाएगा। हमें नहीं पता था हम आपसे प्यार कर बैठेंगे। हम नहीं जानते थे जिससे हम दूर भागना चाहते थे वो हमारी जिंदगी का इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाएगा। हमने आपको कई बार बताने की कोशिश की मिस्टर रायजादा, लेकिन हम आपको बता नहीं पाए। ये कहने के बाद वो अंश के पास आई और उसके सीने पर हाथ रखते हुए बोली, प्लीज हमारा यकीन मानिए, हमने जो कुछ भी किया अपने भाई के लिए किया। और वो उसकी आंखों में देखने लगी, लेकिन इस वक्त अंश उसकी बात समझने की हालत में नहीं था। अंश ने उसकी चोट वाली कलाई को मजबूती से पकड़ा और कहा, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा यकीन करूंगा? कभी नहीं। अंश रायजादा ने भरोसा किया था तुम्हारे ऊपर, पर अब और नहीं। अच्छा होगा मुझे उकसाना बंद करो और जाओ यहाँ से, और तब तक मुझे अपनी ये शक्ल मत दिखाना जब तक मैं ना चाहूं, क्योंकि नफरत हो रही है मुझे तुम्हारी शक्ल से। आई बात समझ में? ये कहने के बाद उसने सोना के हाथ को कस कर पकड़ लिया, जिससे सोना के हाथ में दर्द होने लगा। सोना ने दर्द में अपनी आंखें बंद कर ली। अंश ने उसका हाथ छोड़ा और सोना की बांह को पकड़कर उसे खींचते हुए दरवाजे तक लेकर गया। उसने दरवाजा खोला और उसे दरवाजे से बाहर धक्का देकर दरवाजा बंद कर दिया। वो दरवाजे से टिक कर खड़ा हो गया। उसे एक बार फिर से उसका बर्ताव याद आया जो उसने सोना के साथ कल रात में किया था। उसने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। उसे किसी चीज का पछतावा नहीं होना चाहिए। वो जो भी कर रहा है ठीक कर रहा है। आखिर सोना ने उसे धोखा दिया है, वो इतनी आसानी से सोना को माफ कैसे कर सकता है? ये सब सोचते हुए अंश ने अपनी आंखें बंद कर ली। क्या करेगी सोना? क्या अंश उसे माफ कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए फोर्स्ड।